नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है और ऐसी कौन सी बातें हैं जिसका आपको बेहद ध्यान रखना है। गर्भावस्था के दौरान आपकी पहली गलती कि आपको बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है। जैसे ही आप बेबी कंसीव कर लेते हैं तो आपके बड़े बुजुर्ग और आपके आसपास के लोग आपसे कहते हैं कि अब आपको दो लोगों के लिए खाना खाना है, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा खाना खाना है। और इसी दौरान आप बहुत ज्यादा खाना खाने लगते हैं, जिस वजह से आपको वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और आपको एसिडिटी कब्ज की समस्या हो जाती है। बहुत ज्यादा खाना खाएंगी तो ये आपके लिए और आपकी बेबी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि एक नॉर्मल व्यक्ति को, एक नॉर्मल महिला जो 50 से 55 किलो की है, तो उसे डेली 1900 से 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये रेशो है 1800 से 2000 कैलोरी का। लेकिन यदि आप प्रेग्नेंट है तो आपको 300 कैलोरी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार आपको 2200 से 2300 कैलोरी की ही आवश्यकता होती है। और यदि आप इस दौरान बहुत ज्यादा खाना खा लेंगी, आपका वेट गेन हो सकता है और आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए समस्या हो सकती है और आपका पेट भी खराब हो सकता है। तो आपको ये बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा होता है ज्यादा अच्छे से नींद नहीं लेने की गलती। दूसरा है लंबी यात्रा करने की गलती। प्रेगनेंसी के दौरान आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा लंबी यात्रा नहीं करना है। यदि आपको मुश्किलों से गर्भ ठहरा है और आपको कई बार गर्भपात हो चुका है, तो उस कंडीशन में आपको बाइक से यात्रा नहीं करनी है और शुरू की तिमाही में आपको यात्रा नहीं करनी है। नेक्स्ट है नींद ना लेने की गलती। कई महिलाएं ये गलती करती हैं कि वो दिन भर काम करती रहती है और ठीक से नींद नहीं लेती है। आपको रात में 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लेना है और दिन भर एक्टिव भी रहना है, और आपको फिर भी दोपहर में 1 घंटा जरूर सोना है, क्योंकि आपको आपके शरीर को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो तो आप ठीक से आराम भी जरूर करें और अपनी मानसिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान दें। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य आपका बेहतर होना बहुत जरूरी है, आपके लिए और आपके बेबी के लिए। नेक्स्ट है कई बार आप हाई हील पहनने की गलती करती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब आप प्रेग्नेंट है और होने वाली माँ है, और यदि आपको हाई हील से गिर जाती हैं तो ये आपके बेबी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए आप इसे अवॉइड करें प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट है आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा तेज दौड़ भाग नहीं करनी है और आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं उठाना है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो मजदूर वर्ग से हैं, उन लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि आपको बहुत ज्यादा वजन नहीं उठाना है। हाँ, आप नॉर्मल वजन उठा सकते हैं, बट आपको बहुत ज्यादा वजन नहीं उठाना है प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट गलती है बहुत ज्यादा तीखा खाने की गलती। प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ज्यादा तीखा नहीं खाना है, क्योंकि इस वजह से आपको गैस बन सकती है और आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है, इसीलिए बहुत ज्यादा तीखा अवॉइड करें। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी के दौरान आपको उल्टा नहीं सोना है। आपको बाई करवट लेकर ही सोना है, या आप बाई या दाई करवट लेकर भी सो सकती है, परंतु आपको उल्टा नहीं सोना है। ये आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ये गलती आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है, इसीलिए प्लीज आप उल्टा कभी ना सोए। हाँ, आप बाई करवट लेकर अवश्य सो सकती हैं। आपकी सही पोजीशन भी बच्चे की ग्रोथ पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी के दौरान आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है। कई महिलाओं की ये आदत होती है कि उनको हल्का बुखार आता है या कोई अन्य दवाई गोलियां उनकी पहले से चल रही होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर को बिना बताए ही वो कंटिन्यू रखती है। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आप कोई भी मेडिसिन पहले डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही लें। आपको अपने आसपास के लोगों की बातों को नहीं सुनना है और डॉक्टर से ही सही सजेशन लेना है। नेक्स्ट है आपको प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी गलत योगा नहीं करना है। कई लोगों की ये सोच होती है कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, योग करना चाहिए। तो आपको इस बारे में अपने डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए।
खुद से ही कुछ भी योगा नहीं करना है आपको, कुछ भी व्यायाम आपको नहीं करना है, अपने डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप योग करें या चल फिर आप कर सकते हैं। नॉर्मल चल फिर आप कर सकते हैं या खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप चल सकते हैं, पर योग आप खुद से ना करें और गलत योग आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान वह कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और आपको प्रेगनेंसी के दौरान अपना और अपने होने वाले बच्चे का कैसे बेहद ख्याल रखना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको लगता है तो आपके अपनों के साथ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।